हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के शीख कबाब। बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी बताने वाली मैं आपको कबाबों की। बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं ये कबाब, और इसके साथ मैं आपको ग्रीन चटनी की भी रेसिपी बताऊंगी, जो इस कबाब के साथ बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंट करती है। और बहुत सारी टिप्स बताऊंगी जिससे आप बहुत ही परफेक्ट सामी कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताई है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 600 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया था। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने थोड़ी देर तक छन्नी पे रखा था कि इसका सारा पानी निकल जाए। अब मैं इसे एक चॉपर में ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी जार में भी डाल के इसे बारीक कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 4 हरी मिर्च ऐड कर दी है, 1 मुट्ठी हरा धनिया ऐड कर देंगे, 1/2 मुट्ठी पुदीना ऐड कर देंगे। देखिए, यहाँ एकदम बारीक हमने चिकन को पीस लिया है। अगर आप चाहें तो धनिया पुदीना और हरी मिर्च बारीक बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पीसने से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है धनिया पुदीने का। या मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ध्यान रखें कि अदरक लहसुन के पेस्ट में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर लेंगे। गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। या मैं 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, तीखा आप अपने हिसाब से रखें। ये 1/2 टेबलस्पून से भी कम जीरा पाउडर मैंने ऐड किया है। ये 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड कर लेंगे थोड़ी खटास के लिए। या मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया था। आप चाहे तो प्याज को कद्दूकस करके उसका पानी निकाल के भी ऐड कर सकते हैं। यह मैंने 1/2 टेबलस्पून बटर ऐड कर लिया है। आप बटर की जगह देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। बटर या देसी घी ऐड करने से कबाब अंदर से बहुत सॉफ्ट जूसी बनते हैं। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मसाले मिक्स करने के बाद इसमें मैं 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर लूँगी। बेसन से थोड़ी बाइंडिंग अच्छी आ जाती है तो कबाब टूटते नहीं है। अच्छे से बेसन के साथ भी इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ चिकन के अंदर हमें मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब बाहर जो हम शीख कबाब खाते हैं वो तंदूर में बने होते हैं, तो तंदूर वाला फ्लेवर के लिए हम इसमें स्मोक देंगे कोयले से। या मैंने बीच में कटोरी रख के कोयले को गर्म कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करके इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से स्मोक देंगे चिकन में। इससे बहुत ही अच्छे स्मोकी फ्लेवर आएगा वो तंदूर वाला, तो आप ये स्टेप ज़रूर करें। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी कम से कम आधे घंटे के लिए, जिससे अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम एक हरी चटनी स्पेशल रेडी कर लेते हैं जो सीख कबाब के साथ खाते हैं। इसमें मैंने 1 मुट्ठी धनिया डाला है, 1/2 मुट्ठी पुदीना डालेंगे, 3 हरी मिर्च है तीखा आप अपने हिसाब से रखें, 2 कली लहसुन की थी, 1/2 प्याज ऐड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, ये थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें मैं 1/2 टेबलस्पून नींबू का जूस डाल दूंगी, जिससे बहुत अच्छा खट्टा फ्लेवर आएगा, और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। देखिए, बहुत ही टेस्टी ग्रीन चटनी बनके रेडी है, जो सीख कबाब के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, हमने नमक पहले नहीं ऐड किया था, क्योंकि नमक ऐड करके हम इसको फ्रिज में रखते तो प्याज पानी छोड़ देती। इसलिए जब आपको ये बनाना है उससे पहले आप इसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम यहाँ सीख बनाना रेडी करते हैं। अब सीख बनाने के लिए आप ऐसी वाली स्टिक्स भी ले सकते हैं जो हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। ये सीख बनाने वाला भी मेरे पास था। अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप पेंसिल में भी बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है। या मैं स्टिक्स में बनाऊंगी क्योंकि मुझे इसमें बनाना ज़्यादा आसान लगता है। आप चाहें तो या 2-3 स्टिक्स साथ में लेकर उसको फॉइल पेपर लगा के उसमें भी बना सकते हैं, या थोड़ा सा चिकन का मिक्सचर लेके इसे अच्छे से स्टिक्स पे हम ऐसे हाथों से शेप देंगे। बहुत आसान होता है इसे शेप देना। बस एक हाथ से आप ऐसे इसे लंबा करते रहिए, और जिस हाथ से आपने स्टिक पकड़ी है, जैसे मैं उसे घुमा रही हूँ, उस स्टिक को आप घुमाते रहें और दोनों साइड से इसे अच्छे से पैक कर दें। बहुत ही आसान है। अगर जिसे नहीं बनाना आता है वो एक दो बार ट्राई करेंगे तो आसानी से बन के रेडी हो जाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपका मिक्सचर ज़्यादा गीला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, ये कबाब बन के रेडी है। हमने यह पैन में ऑयल गरम कर लिया था। अब हमने जो सारी सीखे बना के रखे उसे ऐड कर लेंगे, और इसे याद रखना है इसे लो फ्लेम पे आपको फ्राई करना है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे सीख कबाब बहुत परफेक्ट बन जाते हैं।
चिकन का मिक्सचर बनाने में हम जो चिकन ले रहे हैं या अदरक लहसुन का पेस्ट ले रहे हैं या प्याज डाल रहे हैं, उन सभी चीज़ों में पानी बहुत कम होना चाहिए, नहीं तो ये बनते नहीं, फिर टूटने लगते हैं। और इस चिकन के मिक्सचर को आप कम से कम आधे घंटे फ्रिज में ज़रूर रखें, जिससे बहुत अच्छा सेट हो जाता है। अगर मिक्सचर गीला हो गया तो आप एक घंटे के लिए भी रख सकते हैं, इससे फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इसमें मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, और ये अच्छे से सेट हो जाता है फ्रिज में। तो आप इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए ज़रूर रखें बनाने से पहले। और आप इसमें पहले से नमक डाल के बस ना रखें, जब आपको इस चीके बनानी है तभी आप नमक डाल के तुरंत इसे बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी टिप की ये वाली स्टिक्स जो मैंने यूज़ करके शामी कबाब बनाए, ये वाली स्टिक आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही ईजिली इसमें हम शेप दे पाते हैं और कबाब इसमें अच्छे से सेट होके बनता है। तो आप ये वाली स्टिक यूज़ करें। देखिए यहाँ लो फ्लेम पे मैंने सारे कबाबों को अच्छे से सारे साइड से फ्राई कर लिया, इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। मैं आपको एक कबाब कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट अंदर से बनते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये रमज़ान में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें या कभी भी बना के खाएं, बहुत ही ईजी और टेस्टी रेसिपी है। और इसके साथ जो मैंने ग्रीन चटनी बताई है वो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कॉमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।